Assalamu alaikum class, this is our second online class of plant physiology and ecology, and I hope you all are fine and very much excited to get your online classes. So let's start the topic. In our first lecture we studied that what is plant physiology and what type of physiochemical reactions are happened in plants and how we get to know about them. So plant physiology is actually the study of physiochemical reactions that will happen in plants like transpiration, photosynthesis, respiration, etc. And next is plant ecology. In plant ecology, we studied about the relationship of plants with their environment and effect of different environmental situations on the plant growth and their hormonal factors. So first topic according to our syllabus is water relations. As we are studying botany, so we are studying water relations of plant cells, that how plant cells maintain their shape and their structure according to their needs. So our first topic is, first we started from the introduction. If we introducing the water, then water is the essential component of life, because without water there is no life existence. Water ke bagair life exist hi nahi kar sakti, kyunki human beings ke andar, animals ke andar, plants ke andar jitne bhi biochemical reactions hain un sab ko complete karne ke liye water is required. Tamam biochemical reactions ke andar water essential component hai. Biochemical reactions wo hote hain jo living organisms ke andar ho rahe hote hain. All the reactions which are taking place in living organisms are known as biochemical reactions. If we are studying plants, to plants ke andar do tarah ke unke parts hote hain. One are woody portions and second are non woody parts. Woody parts mein stem aa jati hai and non woody parts ke andar leaves, flowers, buds aa jati hain aur new twigs aa jati hain. अगर हम नॉन वुडी पार्ट्स की बात करें प्लांट्स की, तो उसमें 70% वाटर होता है. समटाइम्स देयर इज मोर देन 70% ऑफ वाटर एंड द रेस्ट ऑफ 30% और लेस देन 30% ऑफ वाटर इज वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन वुडी पार्ट्स. सो वाटर इज हैविंग यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बहुत वास्ट वैरायटी है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी कंडक्टिविटी आ जाती है, इसकी पोलैरिटी आ जाती है. कंडक्टिविटी मींस इट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वाटर पोटेंशियल आ जाता है, रूट पोटेंशियल आ जाता है, सॉइल पोटेंशियल आ जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल आ जाता है और डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. वाटर वो ओनली कंपोनेंट है या ओनली सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है. इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज़ 4.184 जॉल्स पर ग्राम पर सेल्सियस. और इसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाटर की ही है. ऑल अदर सब्सटेंसेस आर हैविंग लेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट. सिर्फ लिक्विड अमोनिया की वैल्यू वाटर से ज़्यादा होती है. एक्सेप्ट लिक्विड अमोनिया ऑल अदर कंपोनेंट्स, ऑल अदर सब्सटेंसेस आर हैविंग लेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट. इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड दैट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस, ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अर्थ आर हैव एबिलिटी टू गेट डिसॉल्वड इन वाटर. और उनकी वो डिसॉल्व किस लिए हो सकते हैं, वो डिसॉल्व हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या है, पोलैरिटी. वाटर इज हाईली पोलर इन नेचर. वाटर पोलर किस तरह से है, इट इज़ पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो लोन पेयर्स की वजह से वाटर जो है वो पोलर इन नेचर हो जाता है और उन्हीं की वजह से हाइड्रोजन एटम्स बेंड हो जाते हैं और वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड वी जैसा होता है. नेक्स्ट वाटर रिलेशंस, दैट वाट पानी का किसी भी प्लांट सेल के अंदर किस तरह से उसके साथ आप उसके आपस में रिलेशंस होते हैं. वाटर प्लांट सेल के साथ किस तरह से उसकी शेप को मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और उसके अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है. सो
जो वाटर रिलेशंस प्लांट सेल्स के साथ हैं, जो हम यहाँ स्टडी करेंगे, उसमें सबसे पहले है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स इन प्लांट सेल्स। एंड प्रेशर पोटेंशियल इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कि जो वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट है वो प्लांट सेल की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से जो सेल्स के की वॉल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट हो रही है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम एब्जॉर्बेंस फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंसेस। किसी भी सॉलिड सरफेस से अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ऑब्वियसली देर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स दे ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एंड द लास्ट वन इज़ स्टोमेटा रेगुलेशन, कि स्टोमेटा जो हैं वो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज में या वाटर की रेगुलेशन में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। जब ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है प्लांट का, और वो वाटर लॉस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होता है। स्टोमेटास ओपन होते हैं और स्टोमेटल पोर्स के जरिए वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ड्यूरिंग हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू प्रिवेंट मोर वाटर लॉस। तो वो स्टोमेटा की रेगुलेशन किस तरह से होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल। '1960 में दो साइंटिस्ट थे, आर ओ स्लेटर एंड एस ए टेलर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट को स्टडी किया था और उसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था। वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे प्लांट सेल्स के ऊपर, एंड दे गेट टू नो दैट देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल दैट इट इज़ हैविंग एबिलिटी ऑफ वाटर पोटेंशियल। देन वट इज़ वाटर पोटेंशियल? इट इज़ एक्चुअली टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्राम वन एरिया टू अनदर। यहाँ पर वन एरिया टू एन अदर से मुराद ये है कि प्लांट सेल जो है एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल के अंदर वाटर किस तरह से मूव कर रहे हैं, और जो प्लांट सेल्स के दरमियान में इन बिटवीन स्पेसेस में हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वहाँ से वाटर सेल्स के अंदर किस तरह से मूव कर रहे हैं, सेल टू सेल मूवमेंट कैसे हो रही है और सराउंडिंग से सेल के अंदर मूवमेंट किस तरह से हो रही है, इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसका फार्मूला है साई पी प्लस साई एस। साई इज़ एक्चुअली द साइन विच इज़ यूज टू डिनोट वाटर पोटेंशियल। साई पी प्रेशर पोटेंशियल और साई एस सोल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। इट मीन्स इफ हाईएस्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो तो इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी नेगेटिव आएंगी। जैसे जैसे वाटर के अंदर सोल्यूट्स ऐड होते चले जाएंगे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में जाती जाएगी। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक वाटर जो है वो सोल्यूट्स के लिए यूज़ होता है। प्लांट सेल्स के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती जाती है तो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। देर इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ डिफाइंड एज मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट इन इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। यानी किसी भी प्योर सॉल्वेंट का सेल के अंदर मूव करने को रोकने के लिए जो फोर्स यूज़ की जाती है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी अगर सेल के अंदर वाटर कम है सोल्यूट ज़्यादा है हाइपोटोनिक कंडीशन है, और सेल का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर कंडीशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मींस देयर इज़ मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट्स। तो वाटर तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो प्रेशर पोटेंशियल प्रिवेंट करता है वाटर को मूव करने से फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो प्रेशर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं पाई के साइन से। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मोस्टली डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द नेगेटिव ऑफ प्रेशर पोटेंशियल, कि प्रेशर पोटेंशियल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल व्हाट विल हैपन्स कि सेल जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, यानी वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सिचुएशन टू हाइपरटोनिक कंडीशन।
हाइपोटोनिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं या कंडीशन ऐसी होती है प्लांट सेल्स के अंदर जिसमें सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉल्वेंट्स यानी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो वाटर जो है वो स्टार्ट कर देता है मूव करना फ्रॉम हाइपोटोनिक यानी इसकी हाई कंसंट्रेशन से फ्रॉम हाइपरटोनिक फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, और ये मूवमेंट होती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम डिनोट करते हैं साई एस के साथ और ये इक्वल होता है माइनस पाई यानी ऑपोजिट टू द प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर पोटेंशियल। ये भी कंपोनेंट है वाटर पोटेंशियल का एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक मींस वाटर पोटेंशियल के वाटर प्लांट सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर वाटर इज़ प्रेजेंट एंड दैट वाटर इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। दैट प्रेशर इज़ नोन एज प्रेशर पोटेंशियल यानी एबिलिटी ऑफ अ सेल टू मेंटेन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। टर्जिड सेल्स के जो सेल टर्जिड होते हैं टर्जिड मीन्स दे आर फुली फिल्ड विद वाटर, उनके अंदर जो वैल्यू होती है प्रेशर पोटेंशियल की वो पॉजिटिव होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर गेट एंटर्ड इन दैट। इसको सिंबलाइज किया जाता है साई पी के साथ। इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाती जाएगी जैसे जैसे हम वाटर के किसी भी प्लांट सेल के अंदर वाटर के साथ साथ सॉल्यूट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में चलती जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक पोटेंशियल। ये कंसीडर किया जाता है कि मैट्रिक पोटेंशियल इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल कि ये वाटर पोटेंशियल का थर्ड कंपोनेंट होना चाहिए लेकिन इसकी वैल्यूज इतनी मिनिमम होती हैं इतनी माइनर होती हैं कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसीलिए इसको वाटर पोटेंशियल के फार्मूला में मैट्रिक पोटेंशियल को ऐड नहीं किया गया। ये है क्या मैट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली एबिलिटी है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से सॉलिड सरफेस से वाटर को एड्जॉर्ब करना। ऑब्वियसली देयर आर मोर सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल लेकिन वो सारे सॉल्यूट्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनको सॉलिड सर्फेसिस में कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए उनको एक सेपरेट प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल के अंदर स्टडी किया जाता है। इसको स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल ये है कि हम जब सीड्स को सो करते हैं सॉइल के अंदर तो सीड जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो उसको हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल या वो एबिलिटी सीड की जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सॉइल दैट इज़ मैट्रिक पोटेंशियल और उस फिनोमिना को इम्बाइबिशन कहते हैं। दिस इज एंड आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह जो दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं हमारी स्टोमेटल रेगुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वो हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर में मंडे में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक के लेक्चर में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है कोई भी प्रॉब्लम है कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप एडमोडो पे मैं ऑनलाइन हूँ आप मुझसे लेक्चर के टाइम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करने के लिए आपकी बुक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये सारी हाई टॉपिक्स जो हैं वो हैं आप इसको वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल्स के अंदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।